गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। बता दें, विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। वहीं इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। ऐसे में आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथ ही धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह तय करना होगा कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है, जहां कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कानून अपने काम करता है, तो राजनीतिक दल का व्यक्ति का अध्यक्ष ना तो मेरा कोई विषय बनता नहीं, मैं पार्टी का कुछ नहीं बनता। वो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, पार्टी के विधायक है, जिन्होंने अनुमति दी है कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले है, उससे मुझे कुछ नहीं। मतलब पार्टी के किसी व्यक्ति पे ऐसा आरोप लगेगा? आरोप कैसे क्या तुम्हारा, आज के दिन कोई आरोप कोर्ट में मामला तो चला गया। ठीक है, आप समझिए, किसी व्यक्ति ने कोई विषय कहीं रखा जाता है, उसकी जाँच होती है, जाँच के बाद चीजें तय होगी। देखो, सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है, जब हम अपना पराया छोड़ कर और न्याय के रास्ते को अपनाते, वो धर्म। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए।